नमस्कार, मैं जयप्रकाश, पत्रकार उत्तर प्रदेश में। हमारे खास कार्यक्रम टेस्टी टेस्टी में आज हमें मुरादाबाद की मूंग की दाल को लेकर जाड़ा गर्मी बरसात यानी साल के 12 महीने में आखिर मुरादाबाद की दाल का लोगों पर टेस्ट क्यों चढ़ा है, इसके लिए हम यहां पर एक जो वेंडर है उनसे बात करेंगे। सबसे पहले कि आखिर मुरादाबाद की दाल की खासियत क्या है। क्या नाम है आपका? आनंद। अच्छा, मुरादाबाद की दाल की क्या खास बात है ये बताइए। खास बात कुछ नहीं है, मूंग की दाल की कोई नुकसान नहीं होता है। मूंग की दाल का सबसे ज़्यादा नुकसान कुछ नहीं होता है। हाँ। मरीज खाए, पेट पर भर हुए पेट पर खाए, खाली पेट पर नुकसान नहीं देती है दाल। अच्छा, क्या क्या पड़ता है इसमें, किस तरीके से पूरी बनती है? पूरी नहीं बनती, सिंपल दाल बनती है बस, खाली पानी में उबाली जाती है, बिल्कुल सिंपल प्योर दाल होती है और कुछ नहीं होता है। फिलहाल आगे मसाले हैं, गर्म मसाले वगैरह बस। अच्छा, और इसमें टेस्ट के लिए क्या क्या डालते हैं हम दिखाना चाहेंगे कि इसमें देखिए, दाल के साथ साथ मटरी भी डाली जाती है, यहाँ पर नींबू डाला जाता है। हाँ। मिर्च डाली जाती है और गरम मसाला डाला जाता है बस। इनमें भुने हुए मसालों का क्यों इस्तेमाल होता है? नहीं, गरम मसाले होते हैं जो टेस्ट होता है गरम मसालों में। अच्छा जी, तो इसकी अब दूसरे शहरों में भी खूब मांग हो रही है। मुरादाबाद में बिकती है, दूसरे बड़े लोग आते हैं बाहर से खाने के लिए मूंग की दाल। तो मुरादाबादी दाल को लेकर जो किस्सा आम है, जो शहर में आता है एक बार दाल ज़रूर खाता है और जो भी खाता है वो इसका दीवाना ज़रूर हो जाता है। अगर आप भी मुरादाबाद आते हैं तो एक बार मुरादाबादी दाल का ज़रूर टेस्ट लीजिए। फिलहाल टेस्टी टेस्टी कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। लगातार हमारे साथ बने रहिए और भी कार्यक्रमों के साथ। जयप्रकाश, मुरादाबाद।